हम लोग का सेंट्रल नियोकम कमेटी का हम लोग का ओथ टेकिंग सेरेमनी था। तो इसमें जितना जो हमारा जो जितना एग्जीक्यूटिव टीम्स है, तो आज हम लोग उसको सपोर्ट दिला दिया। तो आगे वाला नियोकम यूलो सेलिब्रेशन के लिए 3 साल का 2022 से लेकर 25 तक हम लोग का जेन्योर तार्म है। ये तार में हम लोग नियोकम को बढ़ावा देने के लिए, सोसाइटी का, समाज का काम के लिए हम लोग काम करने के लिए हम लोग आज सपोर्ट ले लिया। बीच में एक बात चल रहा था, नियोकम है निशी है, निशी है तो नियोकम है, ऐसा कर, इसका क्या मतलब है? ये ऐसे है, निशी है तो नियोकम है, नियोकम नियोकम का साथ में यूलो भी है, क्योंकि दोनों एक हम लोग का नियोकम यूलो एक हम लोग का सिमल्टेनियस हम लोग का वर्ड है, सिमिलरिटी वर्ड है। तो नियोकम हम लोग का जमीन को बोलता है, और जितना जो हम लोग का यूलो है हम लोग का गॉडेस को बोलता है, और दोनों को मिलके हम लोग नियोकम सेलिब्रेशन में हम लोग ऑफरिंग करते हैं। तो ये यही है, इसलिए तो विदाउट नियोकम निशी नहीं हो सकता, विदाउट निशी नियोकम नहीं हो सकता, यही है हम लोग का मुद्दा। तो पूरा निशी समाज को, क्योंकि जब आइडेंटिटी का आप बात करते हैं, तो पूरा निशी समाज को नियोकम सेलिब्रेशन करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? ये नियोकम ये एक हम लोग का सोसाइटी का कल्चर ट्रेडिशन को हम लोग का जुड़ा हुआ है। तो नियोकम ये लोग हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, इसी में अपना ट्रेडिशन अपना कल्चर पूरा हम लोग दिखाई देता है। और जितना जो सेलिब्रेशन का पीरियड में हम लोग का जितना ट्रेडिशनली जो जितना जो हम लोग जैसे हेड गियर है, टोपी है, हम लोग का माला है, हम लोग का जितना जो ट्रेडिशनल जो हम लोग पुराना जमाना से जो हमारा माँ पिताजी ने जो करके लेके आया है, तो उसी को हम लोग उसी नियोकम यूलो सेलिब्रेशन में पूरा का पूरा हम लोग डिस्प्ले करते हैं। मंकू साहब, क्योंकि जब आप नियोकम को बात करते हैं तो ट्रेडिशन जुड़ जाता है, कल्चर जुड़ जाता है, और हमारा जो परंपरा में जो हम लोग कॉस्टली आइटम्स जिसे बीट्स बोलते हैं, तो आपके स्पीच में भी मैंने सुना है कि लोग इसमें चीटिंग हो रहा है आजकल, ये कैसा होता है? तो यही इसलिए ये हम मैसेज देना चाहता है, जैसे हम लोग का ट्रेडिशन हम लोग का कल्चर को मेंटेन करने का यही तरीका हम लोग निभाना नहीं चाहिए कि हम लोग नकली जैसे माला लेके आए, नकली लोहा का जो हम लोग का ट्रेडिशनल आइटम होता है, जो जो तालू होता है, मजी होता है, जो बाजार में जो बेचते हैं, तो उसको लेके असली अपना ओरिजिनल पैसा को देके किसी ट्रेडिशन किसी मैरिज सेरेमोनियल में कहीं में हम लोग उसी को बदला देते हैं हम लोग अपना ट्रेडिशनल मेंटेन करने के लिए। इसको हम लोग बोल रहा है कि इसी को नहीं करना चाहिए, आपका पास में पैसा ओरिजिनल है और नकली लोहा लेके हम लोग का ट्रेडिशन में नहीं चलना है, यही हमारा मैसेज है हम लोग का। और पूरा यूथ्स लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि अभी नया टेक्नोलॉजी है, नया जनरेशन यूथ्स लोग भटक रहे हैं अपना कल्चर और ट्रेडिशन से, उसको आप कैसे करके आगे ले जाएंगे साथ में? तो इसी में हम लोग का हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का निशी समाज हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग का स्कूल भी खुला हुआ है, अभी सेपा में हम लोग का येकुम स्कूल भी खुला हुआ है। तो उसी में सब जो बच्चा है जो भटकते जा रहा है, तो उसी को मैं अपील करता हूँ कि हमेशा हम लोग का अपना फेस्टिवल में आए और हम लोग से सीखे, और जो जो घर में जो हम लोग का ट्रेडिशनल कैसे है, ट्रेडिशनल का किताब को पढ़े। आजकल बुक भी निकल गया, सिलेबस भी निकल गया, उसमें पूरा ग्रामर भी आ गया, पूरा आइटम भी आ गया, उसी को पढ़ना है। और जहाँ भी जितना हो साइंटिस्ट बनो, ये ऑनर्स बनो, पीएचडी बनो, लेकिन अपना ट्रेडिशन अपना कल्चर को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं अपील करता हूँ कि मेरा भाई लोग को, मेरा बहन लोग को अपील करता हूँ कि जो हमारा लिटरेचर ऑलरेडी बन चुका है उसी में जाए और उसको पढ़े। क्योंकि आपका तो लगता है कि बर्डन ही बर्डन बढ़ गया, तो आप थोड़ा सा बताएं आगे कैसा रहेगा नियोकम सेलिब्रेशन और नियोकम कमिटी का? जो देखिए, आज जो नया चेन 2022 से लेकर 25 के लिए नया चेन सेंट्रल नियोकम कमेटी बना है, ये बहुत पुराना संगठन है, जो 1967 से पहले से हुआ है निशी समुदाय में। और जबकि 1967 में बहुत विलेज तौर पे मना के हम लोग 2017 में उसका कल्मिनेशन जो है जोरम में गोल्डन जुबली का रूप में नियोकम यूलो सेलिब्रेशन हुआ है। तो नियोकम एक फेस्टिवल ऐसा है कि पहले जो है पूर्वजों ने पहले जमाना में बटा हुआ था, बहुत बस्ती बस्ती परिवार वगैरह बटा हुआ था, लेकिन ये नियोकम जो फेस्टिवल एक दूसरा को भाईचारा बनाने में एक यूनिफाइंग फैक्टर,
एक एक दूसरा को भाईचारा बनाने में, समाज को एकजुट होने में ये बहुत बड़ा काम किया। और ये जो लीगेसी है, हम अभी जो इस बार का जो नेतृत्व में हमारा मंकू साहब का नेतृत्व में जो बनाया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जारी रखने के लिए। और इसके लिए मैं समाज के सभी वर्गों की सभी लोगों को अपील करता हूं कि आप हमके सहयोग कीजिए और सपोर्ट कीजिए इसमें हम लोग को कामयाब होने के लिए। सर, क्योंकि अभी रिलीजन का भी इंटरफेरेंस हो रहा है, सुनने में आ रहा है हर हर सेलिब्रेशन में, तो आप लोग कैसे करके यूनाइट इफोर्ट लगाएंगे? देखिए, सोसाइटी जब जाते हैं, सोसाइटी जब उभर के आते हैं इवॉल्विंग सोसाइटी में, ऐसे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस को हम डट के मुकाबला करना चाहिए। और वो समाज में जो जैसे चैलेंजेस आते हैं, हम उसको अपना पूर्वजों ने जो हमारा जो कैसे संस्कारी करके आया, उसको हम बरकरार रखना चाहिए, ताकि उसमें हमारा कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होने से ठीक है, ताकि हमारा जो ओल्ड जो प्रैक्टिस है वो हम लोग बरकरार रहना चाहिए, ताकि आने वाला पीढ़ी उसको देख के और उसको बनाए रहना चाहिए।